हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्री मिक्स के 95th सेशन में। और अगेन पांच सवाल आपसे पूछेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। और जो आज के करंट अफेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा करंट हैं, आज के अखबार में ही थे। और अगर आपने ढंग से रिसर्च की है तो आपको आराम से इनके आंसर्स आते होंगे, यू कैन फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एंड अदरवाइज आपको और तैयारी कराने के लिए हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी है, लोगों ने ज्वाइन करना थोड़ा और तेज़ कर दिया। प्री नज़दीक आएगा तो प्लानिंग चाहिए, अच्छे क्वेश्चन चाहिए, वही हम सब ट्राई कर रहे हैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देने की, ताकि आप जो पढ़ाई करें उसको और बेहतर तरह से ओरिएंट कर पाएं, रिटेन कर पाएं और चेक कर पाएं कि रिटेंशन हुई कि नहीं हुई। एंड हमने जैसे आपको बताया 16 और 17 के कॉन्सेप्ट्स भी उसमें ऐड किए हैं। प्रीवियसली भी हमने पहले 6 टेस्ट में ऐड किए थे, लेकिन अब हमने उनको उसको हम वहाँ से हटाकर और वहाँ पर टेस्ट डालने की ट्राई कर रहे हैं, जो और जो नए 6 टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो अगर जैसे न्यू ज्वाइन किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी वो जो टेस्ट पढ़े हैं उनको देख लीजिए, उनके वीडियो सुन लीजिए। वीडियोस बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हैं अबाउट करंट अफेयर्स, एंड उनको देन ग्रेजुअली विल रिमूव देम फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। आप उनको फटाफट से बस देख लीजिए एंड नोट कर लीजिए, PDF वगैरह डाउनलोड कर लो। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रीमिक्स। पहला ही सवाल बॉम्बे रीफ से जुड़ा हुआ है, अखबारों में है, ऑलमोस्ट हर एक न्यूज़पेपर में, कहीं छोटा कहीं बड़ा कहीं अवेलेबल है। तो आपको मुझे बताना है कि बॉम्बे रीफ जो है ये कहाँ सिचुएटेड है। पहला अरेबियन सी में, या फिर ये बे ऑफ बंगाल में है, या ये साउथ चाइना सी में है, या ईस्ट चाइना सी में। तो दोस्तों बताइए बॉम्बे रीफ नामक जगह नामक चीज़, ये रीफ जो है ये कहाँ अवेलेबल है। एंड अगर आपने अखबार पढ़े हैं तो आपको आंसर बहुत ही आराम से आता होगा, ऐसे ही होगा आपका प्रीलिम्स में भी। जो चीज़ें पढ़ी होंगी वो 2 सेकंड में सॉल्व होती है, जो नहीं पढ़ी होंगी उन पर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है या फिर नहीं आती होंगी, दैट्स इट ना, एंड ऑफ स्टोरी हो गया। तो इसीलिए इसका आंसर इज SCS, साउथ चाइना सी। जो आपको पता है पैरासेल आइलैंड्स हैं, पैरासेल जो आपको, अगर आपको मैं लिख के बताता हूँ, पैरासेल आइलैंड्स मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। तो पैरासेल आइलैंड्स में सिचुएटेड एक रीफ है जिसका नाम है बॉम्बे रीफ। एंड अगर हम देखें साउथ चाइना सी के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक, जैसे पर्टिकुलरली जो साउथ चाइना सी में पैरासेल आइलैंड्स का पूरा एक ग्रुप है, तो उसी ग्रुप में है ये रहा बॉम्बे रीफ। आज ये न्यूज़ में भी था कि बॉम्बे रीफ की किस तरह से चाइना ने यहाँ पर एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन लगा दी है, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर अब वो जो बाकी जो जगहों पर जो नज़र रख सकते हैं एक्सेट्रा कुछ भी, चाइना ने यहाँ पर अपनी इंस्टॉलेशन लगा दी है। तो इस कारण आज ये न्यूज़ में था, टाइम्स ऑफ इंडिया का लिंक लगा दी यहाँ पर, देख सकते हैं। और अदरवाइज ये मैप की अगर हम इसको फिगर देखें, मैप में ये हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, और अगर देखें पड़ोसी मुल्क चाइना, तो चाइना के साथ अभी बाकी जगहों से जो चलती रहती है यहाँ पर साउथ चाइना सी में। और डिटेल में देखते हैं इसको, ठीक है। तो जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में है हमारे पैरासेल आइलैंड्स। तो पैरासेल आइलैंड्स में मल्टीपल क्लेम्स हैं, ताइवान भी क्लेम करता है, चाइना कहता है हम क्लेम करते हैं चाइना का। अगर हम आपने पढ़ा होगा ये अखबार में भी, जैसे जो 9-लाइंस बोलते हैं, ठीक है, 9-8-लाइन, तो ये जो चाइना ने हिस्टोरिकल लाइंस लगाई हुई हैं कि ये इतना इलाका हमारा, ठीक है, इसमें जो भी आइलैंड्स हमारे। तो चाइना बाकी बहुत सारी जगहों से उलझता भी है, ताइवान से, फिलीपीन से, मलेशिया से, जापान से, एंड इवन जो और भी जो बाकी वहाँ जो कंट्रीज़ हैं, जो फार फ्लंग कंट्रीज, उनसे भी, वियतनाम से, जो ये पैरासेल आइलैंड्स पे मल्टीपल क्लेम करते हैं। ताइवान भी अपना क्लेम करता है, वियतनाम भी करता है, एंड जो इसीलिए पैरासेल आइलैंड्स पर एक छोटा सा एक टुकड़ा बॉम्बे रीफ आज न्यूज़ में था, चाइना ने वहाँ पे अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन लगा दी है, ठीक है। तो एक अटॉल, एंड जो आपको ये प्री में, जैसे 2012 मेंस में सवाल पूछा गया था पैरासेल आइलैंड्स पर, इनका नाम देख लीजिए, इनको चाइनीज में शीशा भी कहते हैं, ठीक है, एंड वियतनामीज में हुआंग सा कहते हैं। तो आपको पूछ सकते हैं कि किस आइलैंड की बात हो रही है जिनको यहाँ पे ऐसा ऐसा कहते हैं, तो आपको ये पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड ताइवान और वियतनाम में आपस, चाइना के साथ आपस में ये जद्दोजहद चलती रहती है कि किसके आइलैंड्स हैं ये, कि एंड ये इनका ओनरशिप किसके पास होगी, क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिल जाएगा ना इन आइलैंड्स के आसपास। अगर आपको मैप में दिखाऊं मैं, तो जो इन आइलैंड्स को कंट्रोल करेगा उनको बाकी आसपास के इलाके पर भी कंट्रोल मिल जाएगा, एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वहाँ पे। अगर कहा जाता है कि बहुत रिच है ये गैस एंड ऑयल में, तो उनको गैस एंड ऑयल का कितना भंडार मिल जाएगा, इसीलिए इन पर्टिकुलर आइलैंड्स को लेकर जो यहाँ पर बहुत जंग चलती रहती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल करते हैं आज का, ये आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरपोल। इंटरपोल के आज नए चीफ आ गए, तो आपको इंटरपोल पर रिसर्च करनी थी, तो आपने देखिए रिसर्च कितनी करी कितनी नहीं। तो इंटरपोल के बारे में, पहला, जो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, क्या ये बात सही है। दूसरा, इंडिया मेंबर है इंटरपोल का, कि ये बात सही है कि नहीं। अभी आपने रिसेंटली जैसे जो नीरव मोदी केस एट्सेट्रा चल रहा है उसमें इंटरपोल की मदद ली जा रही है, इंडिया मेंबर है कि नहीं, क्यों नीरव मोदी वापस क्यों नहीं आए, या वापस आने में मदद हो रही है, ठीक है।
तो इंटरपोल के मेंबरशिप होने का उससे असर हो सकता है। तो आप मुझे बताइए, सोचिए कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं, एंड यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है 1, 2, both, none, एंड सोच कर ही जवाब देना है, जैसे आप हमेशा देते हैं, सोच कर ही, ग्रेजुअली ही पेपर क्रैक करने हमें। एंड दोस्तों, उसका राइट आंसर इज यहाँ पर सिर्फ 2 only, जिनीवा में हेडक्वार्टर नहीं है ये, ठीक है, ये हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस में, फ्रांस में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड लियों, ठीक है, लियोन भी कह सकते हैं लेकिन लियो कहते हैं वो, तो लियो फ्रांस में हेडक्वार्टर्ड है। एंड अगर मैं इंटरपोल के बारे में बताऊं, तो इंटरपोल का नाम इंटरपोल ग्रेजुअली पड़ गया, लेकिन ये ICPO है, ये जो इंटरनेशनल एक क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जो इकट्ठे दुनिया भर की पुलिस को, 194 कंट्रीज इसकी मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है, एंड उन सब की पुलिस को ये कोऑर्डिनेट करने की ट्राई करती है इंटरनेशनली, ठीक है, ताकि इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन हो पाए, और अदरवाइज ये ICPC के नाम से एस्टैब्लिश किया गया था 1923 में। एंड लेकिन इंटरपोल इसका जो टेलीग्राफ का एड्रेस था, टेलीग्राफ में इंटरपोल के नाम से ही इसको जाना जाता था, क्योंकि जब किसी को अगर टेलीग्राम भेजनी होती थी तो, लेकिन उन्होंने अपना कॉमन नाम ही रख लिया इंटरपोल ग्रेजुअली, ठीक है। इंडिया भी इसके 194 मेंबर्स में से एक है। ऑलराइट दोस्तों, याद रखना है छोटी छोटी बातें, एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, लियो में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज अपना। आप मुझे बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट। पहला ये है शुगर के रिगार्डिंग, कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया इंडिया, शुगर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एंड दूसरा जो शुगर का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी भारत ही है, क्या ये बात सही है? दोनों में से कौन सी बातें सही है, या कोई भी सही नहीं है, ठीक है, 1, 2, both या none, तो आप मुझे बताइए। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? शुगर एंड शुगर केन, मैंने आपको पहले 10,000 बार बताया, ये शुगर एंड शुगर केन, ये UPSC के बहुत खास है, ये बार बार रिपीटेडली, कभी FRP शुगर केन पे जो सरकार FRP ऑफर करती है, कभी जो SAP करके जो चीज़ होती है उस पर, एंड जो जिस तरह की ये कार्बन जो डाइऑक्साइड को जब जिस तरह से प्रोसेस करते हैं, है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह प्रोसेस करते हैं उसको लेके, शुगर केन को जो प्रोसेस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, बहुत ही एक यूनिक प्रोसेस है। तो ये सभी चीज़ें यूपीएससी को बहुत खास हैं, बहुत पसंद है, अलग अलग तरह से पूछते रहते हैं शुगर केन पे, इसलिए आप रिसर्च अच्छी बनाए रखिएगा हमेशा ही। ऑलराइट, चलिए तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, एंड इसका राइट आंसर इज सिर्फ अभी वन इज राइट। ब्राज़ील जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था शुगर का, वो अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ है अक्रॉस द ग्लोब, वो क्या है कि ब्राज़ील में प्रोडक्शन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई एंड इंडिया में इंक्रीज, तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बन गया, एंड एक्सपोर्टर में अभी भी ब्राज़ील सबसे आगे है, थाईलैंड सेकंड नंबर पर, इंडिया एक्सपोर्टर नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन हाँ प्रोड्यूसर बहुत, अभी इंडिया नंबर 1 पर आ गया। तो ये एक लाइव मिंट की न्यूज़ है, टाइम्स ऑफ इंडिया सभी जगह पे न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया नंबर 1 बनेगा दुनिया में, न्यूज़ तो आएगी, ब्राज़ील था वरना पिछले 16 साल से इंडिया ने उसको डिस्प्लेस कर दिया। एंड ये जो US का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है एंड फॉरेन एग्रीकल्चर सर्विसेज, उसका ही ये डेटा है, उसने ही बताया कि ब्राज़ील की आउटपुट बहुत ड्रास्टिकली कम हो गई, इंडिया की थोड़ी सी जो बेटर हुई, एंड इसीलिए इंडिया नंबर 1 बन गया, एंड अदरवाइज लेकिन ब्राज़ील इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन टॉप एक्सपोर्टर फॉलोड बाय थाईलैंड, तो इसका भी ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो बाकी ये लिंक लगा हुआ है, आप लिंक पर जाके दोबारा, वैसे सेम ही चीज़ है, उसी का स्क्रीनशॉट है ये, तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आज ये न्यूज़ थी। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल देखते हैं आज का, एंड नेक्स्ट इज अबाउट शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। आप बताइए कि कौन सी जगहों पर रहते हैं, आपको मैं कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम दे रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं, जिन जगहों पर वो रहते हैं उनसे करेक्टली मैच्ड, ठीक है, ओके। पहले हैं ऑन्जीज रहते हैं नागालैंड, क्या ये बात सही है? देन शॉम्पेंस रहते हैं लक्षद्वीप, एंड देन सेंटिनलीज रहते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर। आप मुझे बताइए इसमें से कौन से शेड्यूल ट्राइब्स एंड उनकी लोकेशंस करेक्टली मैच्ड हैं, ये न्यूज़ में था आज, आपको पता है ऑलमोस्ट ये थोड़ी सी सनसनीखेज खबर भी थी, सभी ने पढ़ी होगी, तो इसी पर आपने लेकिन एक्स्ट्रा रिसर्च करनी ज़रूरी थी, आपने अगर करी होगी तो आपको ये नंबर 2 पूरे मिलेंगे। एंड इंक्रीजिंगली अगेन मैं बता रहा हूँ, केरला के कई ट्राइब्स, अरुणाचल के ट्राइब्स यूपीएससी पूछ चुका है, तो ट्राइब्स का एक बार क्विक नज़र वहाँ पर डालनी ज़रूरी है। जो शेड्यूल ट्राइब्स की पूरी लिस्ट है विकीपीडिया पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स का पूरा एक्ट है हमारे पास, उसमें जो बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब लिखे होते हैं आपको पता होने चाहिए। मेंस में सवाल तो आया ही था आपको लास्ट ईयर ही, कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स किस तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं, कौन करता है, उसके बारे में पूरा हिस्ट्री पूछी हुई थी, GS 1 में ही आया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि कौन से यहाँ पे आंसर राइट है, 1 and 2 या सिर्फ 3 या 1 and 3 या सभी के सभी करेक्टली मैच्ड हैं। अगर आपने इनके नाम सुने हुए हैं
तो अच्छी बात है, नहीं सुने नाम तो आंसर गेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड दोस्तों राइट आंसर इज यहाँ पर सिर्फ 3 सही है, क्योंकि जैसे अभी आपने पढ़ा कि एक अमेरिकन एक सिटीजन को अभी अंडमान निकोबार में सेंटिनलीज एक बहुत ही हमारे प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, एंड वो सेंटिनलीज ट्राइब्स ने उनको अमेरिकन जो उनको वहाँ पर आइलैंड पर गए थे, जो आइलैंड पर जाने की मनाही भी थी, वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही पुराने एक प्रिमिटिव ट्राइब हैं एंड सेंटिनलीज उनको इतने पुराने हैं कि माना जाता है कि 60,000 साल से वो किसी भी बाहर के बंदे से टच में भी नहीं आए। एंड जब वो इतने टाइम से किसी के टच में नहीं आए हैं सेंटिनलीज ट्राइब्स, वो एक आइलैंड पर रहते हैं और नंबर उनका 100-150 के आसपास माना जाता है कि 60,000 साल से किसी से मिले ही नहीं वो, तो वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल भी हैं कि इतने कि उन्होंने जैसे आप मान लीजिए ऐसा माना जाता है कि एक सिंपल जो वायरल फ्लू है जिससे आपको छींकें जुकाम आती हैं वो उनको मार सकता है, क्योंकि उनमें अभी तक ऐसी जो 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 क्षमता ही नहीं है और ऐसी वायरस से लड़ने की वहाँ पे अभी उनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है, बॉडी ने डेवलप ही नहीं करी है एवोल्यूशन में, इसीलिए उनको आइलैंड को बिल्कुल ही हमने क्या किया हुआ अलग से प्रोटेक्ट किया हुआ, वहां पर लोगों को जाने देते नहीं। तो ये इसी कारण जो अंडमान निकोबार के जो ट्राइब्स थे, जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं हमें पता होने चाहिए, सेंटिनलीज एक है, शॉम्पेंस भी हैं, ऑनजीज, ये सभी के सभी अपने अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ही अपने ट्राइब्स हैं। यहाँ पर आपको जो नाम जैसे अंडमानीज तो नाम से ही पता लग रहा है, जरावाज वेरी इंपॉर्टेंट, जरावाज है ना, निकोबारीज, ऑनजीज, सेंटिनलीज, शॉम्पेंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जिनको हमने प्रोटेक्शन भी ऑफर की हुई है अगेन इन आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैचुटरी सेटअप। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और समझाता हूँ कि आप सिंपली विकिपीडिया गूगल कीजिए कि जो बहुत सारी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में जानने की ट्राई कीजिए कि शेड्यूल ट्राइब्स कौन सी हैं भारत में, एंड आपको लिस्ट मिल जाएगी, एंड देन देखिए वहाँ पर कि अरुणाचल के कौन से हैं, केरला के कौन से हैं, तमिलनाडु के, आप इसको लिस्ट को 3-4 बार देख लेंगे, आपको आपको ब्रॉडली आइडिया होना शुरू हो जाएगा कौन से ट्राइब कहाँ पर हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट है वैसे, लेकिन कुछ कुछ जो जैसे आप मान लीजिए जैसे ये वाले, चलो मान लीजिए बहुत सारे हो गए इतना याद करना मुश्किल है, लेकिन ये जरावाज, ऑनजीज, सेंटिनलीज, शॉम्पेंस, ये इंपॉर्टेंट वंस हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। जरावा यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ, पहले आप चेक करेंगे पास्ट ईयर पेपर, आपको नजर भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, चलिए आज का लास्ट सवाल ये है अबाउट रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। आपने मुझे बताना है रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट, जो इंडियन सिटीजन हैं उनको कोई स्पेशल परमिशन नहीं चाहिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया को विजिट करने के लिए। दूसरा, इंडियन सिटीजन्स को स्पेशल परमिशन चाहिए टू विजिट इनर लाइन परमिट। ठीक है, तो दो तरह के हमारे देश में परमिट होते हैं, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, एक होता है इनर लाइन परमिट। तो इसमें आप मुझे बताइए, पहली स्टेटमेंट कहती है कि इंडियन सिटीजन्स को नहीं चाहिए अगर आरएपी रिस्ट्रिक्टेड एरिया जगहों पर जाने के लिए कोई परमिट नहीं चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि इंडियन सिटीजन्स को परमिशन चाहिए अगर उनको इनर लाइन परमिट वाली जगहों पर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, 1, 2, बोथ या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सोचें, लॉजिक लगाएं कि क्या जो अगर आपने न्यूज़ पढ़ी थी आज की तो आपको ये आंसर आता होगा। एंड इसका राइट आंसर इज कि यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जो अभी सेंटिनलीज वाला जो स्टेटमेंट आई थी वो क्या है, जगह अंडमान निकोबार, इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड एरिया अर्लियर, इसी साल सरकार ने वैसे उसको हटा दिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया से, अदरवाइज पूरा का पूरा अंडमान निकोबार रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। इंडियंस को अगर वहां जाना है तो कोई स्पेशल परमिट नहीं चाहिए होता, लेकिन अगर कोई फॉरेन नेशनल वहां पे जाना चाहता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर, उनको वहीं पर ही पोर्ट ब्लेयर पर जब वो उतरते थे, कोई आप लेट्स से मान लीजिए आप अमेरिका से हैं, आप पोर्ट ब्लेयर पर गए, आपको वहां उतरते ही एक आरएपी लेना होता था पहले, रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, कि मुझे यहां पर रहने के लिए परमिट दे दो। ठीक है, सरकार के पास आप खुद को रजिस्टर करते थे, तो लेकिन इंडियंस को नहीं वो करना होता था। ठीक है, तो इंडियंस को, तो इसीलिए जो आपके जो सेंटिनलीज यहाँ पर रहते हैं वो भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंडर ही आते हैं वहाँ पर, लेकिन रिसेंटली सरकार ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो वहाँ पर 30 आइलैंड्स हैं जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं अंडमान निकोबार में, वहाँ से आरएपी हटा लिया। ऑलराइट, लेकिन जो इनर लाइन परमिट है जो नॉर्थ ईस्ट में एप्लीकेबल है, इनर लाइन परमिट में चाहे आप इंडियन नेशनल चाहे फॉरेन नेशनल, आपको वहाँ पर जब जाएंगे आपको परमिट लेना होगा। ठीक है दोस्तों, आईएलपी, तो आईएलपी इंडियंस को भी चाहिए लेकिन इंडियंस को आरएपी नहीं चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, तो वैसे ये एक
यहाँ पे एक थोड़ा सा एक आपको एक न्यूज चाहता हूँ बताना मैं, ये पीआईबी में से न्यूज थी कि जो एक फॉरेन जो फॉरेनर्स का प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर है 1958, वो हमें बताता है कि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जो है वो नॉन इंडियन सिटीजन्स को इज रिक्वायर्ड फॉर नॉन इंडियन सिटीजन्स जो हिंदुस्तानी नहीं है टू विजिट सर्टेन एरियाज इन इंडिया एंड मेनली ये जगहें कहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट में, कुछ जगहें वैसे इसकी और जगह पर भी हो सकती हैं लेकिन नॉर्थ ईस्ट प्राइमरीली है एंड इनके लिए कुछ आपको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती हैं, अगर आप जैसे पाकिस्तानी सिटीजन हैं तो नहीं जा सकते एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन्स को लेकिन अब आईएलपी रिक्वायर्ड होगा, बस हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इंडियन सिटीजन्स को अगर जाना है आईएलपी वाली जगहों पर तो आईएलपी इंडिया वाले बंदों को भी लेना होगा, ठीक है। और देन जो फॉरनर एरिया जो 1968 वाला ऑर्डर है वो क्या बताता है हमें, रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, ये नॉन इंडियंस को अगर किसी किसी जगह पे जाना है वहाँ पे उसको चाहिए होगा एंड इंडियन सिटीजन्स को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने के लिए कोई स्पेशल परमिट नहीं लेना। ऑलराइट, तो ये बात थोड़ा ध्यान रहेगी आपको, तो ठीक है बस यही आपको बताना था कि दो तरह के परमिट्स होते हैं, मेजरली न्यूज़ में आईएलपी होता है लेकिन जो सेंटिनलीज ये जो अभी केस हुआ उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट भी आपको जानना ज़रूरी है। न्यूज़ में था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं था तो आपको रिसर्च करके ही पता लगेगा ही लगेगा कि आरएपी नामक चीज़ भी है, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो बस यही आपके साथ थोड़ा जो जानना ज़रूरी था एंड जाते जाते आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में भी यहाँ पर कि किस तरह से सरकार ने प्रमोट करने के लिए बहुत सारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के एडमिनिस्ट्रेशन ने हटा दिया जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑर्डर परमिट, ठीक है दोस्तों। तो यही था, इसी के कारण से बहुत सारे वहाँ पे टूरिज्म प्रमोट करने के स्टेप्स में से एक है, आप इसको मेंस में कोट भी कर सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट हटा दिया गया बहुत से जगहों पे अंडमान निकोबार में। ऑलराइट, चलिए जाते जाते एक और आपसे एक छोटा सा यहाँ पर एक कोट जो कि मोहम्मद अली का कल भी हमने देखा था आज भी, क्योंकि बहुत ही एक मेजर फिगर है दुनिया में, बहुत लोगों को प्रभावित करते हैं मोटिवेट करते हैं और बहुत ही छोटी उम्र में इतनी एडवर्स जो सिचुएशंस के बावजूद ही सक्सीडेड एंड आज भी लोग इनको याद करते हैं और इनकी बहुत ही फेमस एक ही कुछ लाइनें हैं जो बहुत मूवीज़ में भी कोट की गई हैं। वो कह रहे हैं जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे ट्रेनिंग का एक एक पल उनको क्या था बहुत ही बुरा लगता था और लेकिन वो खुद को याद कराते थे कि डोंट क्विट, कि ट्रेनिंग के दौरान यू डू नॉट हैव टू क्विट, क्योंकि अभी अगर आप सफ़र करोगे अगर अभी आप इससे गुजर सकते हो तो ज़िंदगी भर आप एक चैम्पियन की ज़िंदगी जियोगे। इसीलिए कहते मैं अपने आप को मोटिवेट करता था ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कि आज जो मैं कर रहा हूँ वो कल उसका मुझे बहुत अच्छा एक फल एक नतीजा मिलेगा, लाइफ लॉन्ग यू विल बी कॉल्ड अ चैम्पियन। तो इसीलिए अगर आप जो तैयारी करते हुए डीमोटिवेट हो जाते हैं थक जाते हैं तो खुद को बस 2 मिनट 5 मिनट जो अपनी आंखें बंद करके लेट सकते हैं सो सकते हैं उसके बाद खुद को रिमाइंड कराना बार 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको बार बार खुद को रिमाइंड कराना है कि ज़िंदगी भर अगर आपको खुद की नज़रों में औरों की नज़रों में तो सबसे ज़रूरी है ही, उसके बियॉन्ड अपनी नज़रों में सबसे ज़रूरी अपनी नज़रों में अगर आपको खुद को चैम्पियन अगर देखना है और आप चाहते हैं कि सच में एक लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एक लाइफ ऑफ डिग्निटी हो जहाँ पे आप खुद की नज़रों में ही आप खुद को माने कि यस मैंने मेहनत की थी मैंने बहुत एफर्ट किया था एंड चैम्पियन था मैं, तो आपको यू विल हैव टू कीप वर्किंग राइट नाउ, यू डू नॉट हैव टू क्विट, ठीक है दोस्तों। क्विट करने के तो बात विचार आ ही नहीं सकते दिमाग में एंड और एफर्ट क्या करना है टू पुश योर सेल्फ मोर। ऑल राइट, ठीक है दोस्तों, मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले एपिसोड में और मेहनत कीजिए और कीजिए अपना जो पूरा एफर्ट जो कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बाकी आप बहुत सी जगहों पर स्लीपी क्लासेस को देख भी सकते हैं फेसबुक टेलीग्राम एट्सेट्रा, ठीक है दोस्तों, मिलेंगे जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।